अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, आज मैं ये ज़रदा पुलाव बनाने लगी हूँ, स्वीट राइस। तो उनके लिए मुझे ये चीज़ें चाहिए होंगे, राइस एंड 1 कप राइस, 1 कप शुगर, सम ड्राई फ्रूट एंड 5-6 इलायचीज, सब्ज़ इलायची और फूड कलर, येलो फूड कलर। तो सबसे पहले ये जो राइस है इनको मैं अच्छी तरह से वॉश करके बॉईल कर लूँगी, ठीक है। मैं ये फूड कलर मिक्स कर दूँगी, तो जब तक ये बॉईल हो जाएंगे साथ इसमें कलर भी आ जाएगा येलो कलर जैसे। ओके, अब मैं इनका वाटर ड्रेन कर दूँगी इस तरह। देखा है कलर येलो हो गया है, बिकॉज मैंने इसमें फूड कलर डाला था आधी स्पून, तो ये इतने अच्छे येलो हो गए हैं। अभी मैं ये शीरा बनाने लगी हूँ, इसमें मैंने बटर जो है वो डाल दिया है, 150 ग्राम बटर और लिटिल बिट ऑयल, ताकि ये लगे ना साथ। और अभी इसमें मैं ग्रीन इलायची डाल दूँगी ये, so I'm making this shira like sweet syrup for rice and I put all dry fruit. This is sultana, ये जो बादाम थे इनको मैंने 2 मिनट के लिए माइक्रो ओवन में रखा और फिर मैंने इसके छलके उतार दिए। इजी, बहुत इजी होता है ये। अभी मैं इसमें शुगर ऐड करूँगी, शुगर 1 कप, लिटिल बिट लेस देन राइस। थोड़ा सा मैं इसमें पानी डालूंगी, लिटिल बिट वाटर, सो शुगर कैन गेट मिक्स वेल। ये माय सिरप इज रेडी नाउ, सो आई एम गोना ऐड राइस। अभी मैं इनमें राइस डाल दूंगी, ये तैयार हो गया। अब ये इनको मैंने मिक्स कर दिया है शीरे में, तो अब मैं इसको हल्की आंच पे आधा घंटा रख दूंगी, ठीक है। और उसके बीच में मैं इसको चेक भी कर लूंगी कि ये सही पक गए हैं कि नहीं, ठीक है। ये जी मेरा जर्दा पुलाव तैयार हो गया है और स्वीट राइस, और इसको गार्निश के लिए मैंने पोमेग्रेनेट सीड्स डाले हैं और कुछ खजूर रखी हैं, तो लुक्स नाइस नाउ। और आप देखें, पसंद आए तो आप भी बनाएं, और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।